भारतीय संस्कृति न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि दुनिया भर में बहुत मशहूर है। यहाँ के संस्कार, वेशभूषा, परंपरा और भगवान पर लोगों की आस्था सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है और दूर दराज के लोग यहाँ के अलग अलग तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए आते हैं और समझ पाते हैं कि क्यों लोगों की ईश्वर पर इतनी आस्था है। पूरे भारतवर्ष में बहुत से तीर्थ स्थल हैं, पर सबसे जाना माना है ऋषिकेश। ऋषिकेश में बहुत से मंदिर हैं, गंगा है, जहां लोग न सिर्फ भगवान से जुड़ते हैं बल्कि अपने मन की शांति भी पाते हैं। पुष्कर मंदिर यहां का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। 1935 में वीर राघवा ने इसे बनवाया था, जो कि राजस्थान से आए थे। पुष्कर मंदिर को भरत भगवान का गुरु स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सुदर्शन शर्मा इस मंदिर की देखरेख करते हैं। ये मंदिर राम झूला के पास स्थित है। पुष्कर से राजस्थान से आने के कारण ये पुष्कर मंदिर के नाम से विख्यात है और एज वेल नोन है यहाँ पे। और इसकी स्थापना जो करने के लिए आ रखे थे वो राजस्थान से ही सारे कारीगर आ रखे थे। जो इसका स्ट्रक्चर है और है जो मैन्युफैक्चरिंग है जो है वो सब राजस्थान कला के द्वारा ही निर्मित है। और ऋषिकेश के अंदर ये काफ़ी पुराना और प्राचीन बना हुआ है। उस समय सिर्फ भरत मंदिर हुआ करता था और जैसे पुष्कर मंदिर हुआ करता था, तो उस हिसाब से ही यह काफ़ी पुराना और दिव्य स्थान है। पुष्कर मंदिर से आगे बढ़ते हुए भरत मंदिर के दर्शन होते हैं, जिसकी ऋषिकेश में बहुत मान्यता है। क्योंकि पुष्कर मंदिर भरत मंदिर का गुरु स्थान है, तो लोग यहाँ के दर्शन के लिए भी ज़रूर आते हैं। यहाँ पर सुबह और शाम दोनों वक्त की आरती होती है और देवी के मुकुट को भक्तों के सिर पर रख कर उन्हें देवी का आशीर्वाद दिया जाता है। भगवान ऋषिकेश नारायण के नाम पर इसका नाम रखा गया था। भरत मंदिर के अंदर संस्कृत महाविद्यालय भी है और न सिर्फ मंदिर बल्कि यहाँ पर म्यूजियम भी है। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर की यहाँ पर बहुत मान्यता है। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, जिससे लोग एक ही जगह सभी के दर्शन का लाभ उठाते हैं। यहाँ पर विधि विधान का भी खास ध्यान रखा जाता है, ताकि पूजा के वक्त किसी भी तरह की परेशानी ना हो। भक्तों के द्वारा दिए गए श्रद्धा भाव से जो दान एकत्रित होता है, ये मंदिर उसी से संचालित है। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठकर हम अपने मन का दुख, अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह ईश्वर विराजमान है और गंगा के पास बैठकर मन की शांति मिलती है। यहीं पर एक गीता भवन नाम से भी मंदिर है, जो कि गीता ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ये भी बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, जो कि प्रवेश द्वार पर ही स्थापित की गई है और वो अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान है। परमार्थ निकेतन पुष्कर मंदिर और भरत मंदिर की ही तरह बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहा जाता है कि ना सिर्फ भारत बल्कि देश विदेश के लोग भी इस मंदिर में आते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, जो कि मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर आती है, और साथ ही कृष्ण भगवान, देवी संपत और सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर हवन कुंड भी है और पूजा की सभी सामग्री के साथ यहाँ ईश्वर की आराधना की जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, ऐसा कहते हैं कि हर चीज़ में आस्था और उसकी मान्यता कम हो जाती है, पर भारत में भगवान के प्रति आस्था कभी कम नहीं हो सकती। और इसका प्रमाण ये है कि आज भी इन प्राचीन मंदिरों में ईश्वर के होने का एहसास होता है।